तो वहीं धौलपुर में भी 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। अब ऐसे में लगातार बारिश से चंबल का जो जलस्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। चंबल का जो जलस्तर है वो करीब 130 मीटर पर पहुंच गया है और आज जलस्तर 132 मीटर से ऊपर पहुंचने की आशंका यहां पर संभावना जताई जा रही है। चंबल नदी का वार्निंग लेवल जो है वो 129.79 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। बारिश के कारण खेतों में कटी बाजरे की फसल पूरी तरीके से खराब होती नजर आ रही है। तो वहीं किसानों ने बताया है कि इस बार खड़ी फसल पर आफत रूपी बारिश जो है वो गिरी है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर स्थानों पर बाजरे की फसल खराब हुई है और लगातार हो रही बारिश से मौसम का मिजाज जो है वो बदलने लगा है। हल्की ठंडक यहाँ पर अब महसूस की जा रही है। तो वहीं धौलपुर जिले में हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के कहर की बदौलत लोगों के कच्चे और पक्के मकान भी यहां पर धराशायी होने लगे हैं। इसके साथ ही मवेशियों की स्थिति भी दयनीय नजर आ रही है। जिले के ग्राम पंचायत कैथरी में करीब 10 छप्परपोश मकान जो है वो गिरे हैं। हालांकि गनीमत ये रही है कि इनमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। उधर मामले की जानकारी पर जिला परिषद सीओ चेतन चौहान रात्रि में पीड़ित परिवार से पास पहुंचे और उनसे मुलाकात की है। उन्होंने खाने पीने के साथ ही त्रिपाल और रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जिला परिषद सीओ चेतन चौहान ने बताया है कि जिले में लगातार बारिश का दौर चल रहा है और ऐसे में सैपऊ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कैथरी में करीब 10 छप्परपोश मकान जो है वो प्रभावित हुए हैं। हाँ तो उसी में आप दे दो मास्टर, कल दे दो डिमांड, आप दे दो कल। बाड़ी बंदी में करवाते हैं, बाड़ी बंदी में मिलती है उसमें जो बाड़ी। और चलिए अब आपको प्रदेश भर से 6